वीडियो के बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज़ सुनने को मिल जाएगी, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि रीज़न मैंने इस वीडियो के एंड में आपको बताया क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा यार, कल मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि मैं नेक्स्ट वेब सीरीज कौन सी करूंगा, गैस करके बताओ, तो बहुत कम रिस्पांस मिला, लेकिन जितने लोगों ने भी वहां पर कमेंट किया उनको मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के एक दो मिनट निकाल के वहां पर कमेंट किया, वही बड़ी बात है। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बोला था कि जो सही जवाब देगा उसको मैं शॉर्ट आउट दूंगा हमारे चैनल पर। तो एक मेरा पुराना सब्सक्राइबर है जिसका यूट्यूब आईडी नेम है स्मार्टी बॉय, उसने सही गैस किया, तो यार कांग्रेचुलेशंस ब्रो, कीप इट अप, हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। अब बात करते हैं सीरीज की जिसका नाम है इनोसेंट और हिंदी डब में इसका नाम है मासूम। ये आपको फ्री में कहाँ देखने को मिलेगी वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो का पूरा जरूर देखना। चलिए बात करते हैं सीरीज की, तो इसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 44 मिनट से लेके 1 घंटे के है। ये सीरीज शुरू होती है क्राइम ब्रांच ऑफिसर यूसुफ से, जिसकी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि इसकी वाइफ से इसका डिवोर्स हो चुका है और इसकी एक बेटी भी है, और इस वजह से ये अपने काम पर इतना फोकस नहीं कर पा रहा, तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसको हॉलीडे पर जाने का ऑर्डर मिलता है और साथ साथ इसको एक केस भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए देते हैं। खैर अब ये अपने होम टाउन जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात एक्स पुलिस ऑफिसर चीफ चैबडेट और उसकी फैमिली से होती है। और यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि चीफ चैबडेट के दो बेटे हैं, तैनेर और तारिक, जो कि बचपन के दोस्त है यूसुफ के। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता जब यूसुफ को पता चलता है कि तैनेर की मौत हो चुकी और तारिक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो अगर आपको फैमिली ड्रामा पे बनाए गए शोज पसंद है तो मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको कि जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनके पास काफी अलग अलग स्टोरीज होती है इस पर्टिकुलर जॉनर में दिखाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है जो अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा के रखते हैं जो वो बाहर आने नहीं देते, और वो लोग अंदर ही ये सारी चीजों से खुद ही डील करते हैं, और जब लोगों को ये सारी चीजें पता चलती है तो वो किस तरह से शॉक्ड होते हैं। बेसिकली ये सीरीज देखकर आप लोग वही महसूस करोगे। इसके अलावा सीरीज में जिस तरीके से उन लोगों ने एक मिस्ट्री को क्रिएट किया और कैसे उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक बरकरार रखा वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब बात करेंगे शो में कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनको बहुत ही अच्छी तरह से इस शो में डेवलप किया, और सबसे बड़ी बात ये हर एक कैरेक्टर्स में आपको डेप्थनेस देखने को मिलेगी, और जिस तरीके से अलग अलग लेयर्स में ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है आप पूरी तरह से इस शो के साथ एंगेज हो जाते हो और पूरी तरह से आप इमोशनली उन कैरेक्टर्स को भी समझ लेते हो। उसके अलावा इस सीरीज में किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग से रिश्ते टूटते हैं और साथ साथ जब एक रिलेशनशिप में चीटिंग होती है तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है और कैसे ना चाहते हुए भी इंसान वो सब कुछ कर देता जो कभी सोचा भी नहीं था, ये सब कुछ भी आपको इस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस शो में आपको पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट में जहां पर यूसुफ इन्वेस्टिगेट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, साथ साथ पास्ट में चैबडेट की फैमिली के साथ क्या कुछ हुआ था और यूसुफ के बचपन में क्या कुछ इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से वो आज भी परेशान है, यानी ये सीरीज आपको इन सारी चीजों पर फोकस करते हुए नजर आती है और हर एक चीज का अपना एक मकसद है, यानी कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी आप लोग को खुद ब खुद चीजें समझ में आने लगेगी। अब बात करेंगे इस शो की सिनेमेटोग्राफी की, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा टॉप क्लास। जिस तरीके से यहाँ पे इस्तांबुल या तुर्की का जो लोकेशन है वो बहुत ही शानदार, और साथ साथ इस सीरीज में जिस तरीके से आपको अंधेरे के सीन्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सीन्स है लेकिन उसको इतना परफेक्टली यहाँ पर शूट किया कि एक भी अंधेरे की सीन आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि यार मतलब सीन्स क्लियरली नहीं दिख रहे या समझ में नहीं आ रहा या चीजें होकर चले गई और आपको समझ में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारी चीजों को बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही नीटली यहाँ पर शूट किया है कि कहीं से भी आपके माइंड में किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन होना। उसके अलावा बात करेंगे शो के बीजीएम की, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके जो मिस्ट्री ड्रामा पर बने गए शो होते हैं तो उसमें जो बीजीएम होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि सीन्स बहुत ही नॉर्मल और सिंपल होते हैं लेकिन जब इस तरीके का बीजीएम होता है ना तो वो सीन आपको एक अलग ही जोन में लेके चला जाता है और वो जो सस्पेंस का माहौल है ना ऑटोमेटिकली आप लोग महसूस करते हो, जो कि इस सीरीज में आपको गारंटीड देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, यहाँ पर हर एक एक्टर ने बहुत ही जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहाँ एक्टर ने यहाँ पर तारिक का रोल प्ले किया, उसका काफी चैलेंजिंग रोल मुझे नजर आ रहा था और उसने अपने इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन दे रहा था, जिस तरीके से वो डायलॉग बोल रहा था और जो एक पागलपन की एक्टिंग चाहिए थी ना पर्टिकुलर इस रोल के लिए, उस एक्टर ने बहुत ही अच्छी तरह से निभाई है। उसके अलावा जिसने यहाँ पर तारिक की वाइफ का रोल प्ले किया एमिल, उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस ने यहाँ पर कुछ कुछ सीन्स अगर आप उसका इस सीरीज में देखोगे तो वो बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस को भी फेल कर दे यार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया उस एक्ट्रेस ने भी। उसके अलावा यहाँ पर हर एक एक्टर का काम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मैं तुर्किश
शोज इतने देखता नहीं और ना ही मुझे उनके एक्टर्स के नाम पता है, लेकिन पर्टिकुलर इस सीरीज देखने के बाद इन सारे एक्टर्स का फैन बन चुका हूँ। अब बात करेंगे इस शो की कुछ नेगेटिव पॉइंट की, तो एक चीज जो मुझे इस शो में नेगेटिव फील हो रही थी वो थी इसकी स्लो पेसिंग, यानी कि हर एक एपिसोड में आपको काफी कुछ चीजें स्लोली स्लोली मूव होते हुए नजर आएगी। लेकिन ये इस शो की पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी, क्योंकि स्लो चीजें आगे बढ़ाने का मकसद ये था कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से शो को डेवलप किया, जो कि अगर आप लोग एक बार कॉन्सेंट्रेट करके शो को देखोगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके अलावा इस शो की जो दूसरी नेगेटिव पॉइंट है वो है एपिसोड्स की लेंथ। एक एक घंटे के हिसाब से ये शो थोड़ा ज्यादा लेंथी लगता है। अगर ये शो के एपिसोड्स 44 मिनट्स के होते तो वो ज्यादा अच्छा लगता। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 3-4 किसिंग सीन देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा ये शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, और मैं आपको इन शॉर्ट बोलू आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर अभी किसिंग सीन होने वाला, तो आप उसको इजीली फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल ये एक फैमिली ड्रामा है। उसके अलावा इस शो को मैं रेटिंग दूंगा 8/10। अब सबसे मेन बात की ये सीरीज कहाँ देखने को मिलेगी, तो भाई MX प्लेयर बीटा ऐप पर ये सीरीज आपको हिंदी डब में मिल जाएगी। सिर्फ आपको MASUM मासूम लिखना है तो ये आपके सामने आ जाएगी, आप बिंदास बैठ के देख सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, और ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों का इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही होगी तो यार प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने इससे पहले जब वीडियो शूट किया था तो काफी अच्छी तरह से शूट हुआ था, लेकिन अचानक से मेरा मोबाइल रिबूट हो गया तो वो वीडियो मेरी उड़ गई, तो ये वापस से दोबारा से शूट करने में ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रही, और अभी घर पे सारे लोग आ भी गए तो इस वजह से बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आपको बर्तन बिर्तन की आवाज आ सकती है। तो यार मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं रोज कोशिश करता हूँ अच्छे अच्छे वेब सीरीज मूवीज आपको सजेस्ट करने की। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगता है तो मेरी मेहनत को सफल करो और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज हॉस्टेजेस सीजन 2 का, तो अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी करना प्रेस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। सारे सीक्रेट्स छुपा के रखते जो भारी लोगों के सामने, जो कि अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा के रखते, जो अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा के रखते जो सामने वाला छुपा। बेसिकली ये सीरीज बेसिकली